करते हैं ना यूट्यूब पे, यूट्यूब पे ब्लॉगिंग करते हैं ना। अच्छा, उसमें क्या कहते हैं पैसे से मिलते हैं? आजकल कुछ ज़्यादा ही सख्ती हो रही है चेकिंग के लिए। और बहुत ही मजा आ रहा है दोस्तों आज। मत डाल गाली करेगा वो। हेलो एंड वेलकम गाइस, दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से नए ब्लॉग में। और दोस्तों आज हम जा रहे हैं पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ का टूर बन रहा था दोस्तों हमारा बहुत दिनों से, लेकिन कभी इसको टाइम नहीं होता, कभी मुझे टाइम नहीं होता, तो आज ही अचानक से आ गया दरवाजे पे और बोल रहा है चल। तो रैंडमली मैं भी तैयार हो गया, ऐसे ही चल पड़ा हूँ पिथौरागढ़ की तरफ, क्योंकि जा रहे थे भाई थोड़ा काम भी मेरा भी। और ये भाई साहब कहीं काम अच्छा के साइड पे जा रहे हैं, वहाँ कैंपिंग का प्लान चल रहा था। तो अभी हम निकल चुके हैं आसपास से और थोड़ा दूर से आगे पहुँचे। और ये भाई साहब उनको बहुत ही राइडर समझ रहे हैं, इनको पता है मैं ब्लॉग कर रहा हूँ कि जो तेज़ी से चला रहे हैं, पता नहीं मेरी आवाज़ आ पा रही नहीं आ पा रही, लेकिन अगर आ पा रही हो आपको तो अभी मिलते हैं आपको ओखला में, फिर दिखाते हैं आपको कि क्या आगे का प्लान है। अपने काम थोड़ा सा स्टे मीटिंग लीजिए रोड में। दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं ओखला पे और यहाँ पे बाइक पे हवा हवा चेक करके हवा भराई जा रही है थोड़ा। और ये पहुंचे दोस्तों हम चरमा, साथ ही फील्ड चरमा महाराज। और दोस्तों ये भाई साहब ने रोक दिया है यहाँ पे, थोड़ा काम चल रहा है। देखिए दोस्तों मत डाल गाली करेगा वो। ये देखिए दोस्तों ऐसे गंदे नालायक लोग। बाइक होने का बहुत ज़्यादा फायदा है, आप कहीं से भी जा सकते हैं। तो दोस्तों अभी बात कोई ऐसी होगी कि पहले निकलते हम सोच रहे थे कि ये व्लॉग जो है अभी बाइक के चैनल पे डालेंगे, लेकिन अभी मेरे को अब लग रहा है कि थोड़ा ठीक ठाक व्लॉग बन जाएगा, तो अब मैंने इसको मना लिया है। और ये कामाख्या मंदिर का अलग से व्लॉग बनाएगा और अपने चैनल पर डालेगा, और ये वीडियो आप जो है मेरे चैनल पर देखे होंगे। अभी बाइक के लिए एक लाइक जरूर कर दे रहे हैं वीडियो को, जो इतना कॉन्टेंट दे दें हमको अपने फ़ोन से। और अभी थोड़ा अपने बाइक के लिए भी शूट करेंगे आगे से, तो इनका चैनल भी चेकआउट कर सकते हो आप। तो दोस्तों अभी हमें खेतते नाते, और ये कौन सा मंदिर है यार, माँ भगवती का मंदिर है तिरचना पुल पे यहाँ पे। और जो है हमारे अमित भाई इंट्रो रिकॉर्ड करना चाह रहे थे, लेकिन ये बहुत शर्मा रहे हैं और बोल रहे कि पीछे जो कार वाले खड़े हैं इनको जाने देते हैं, फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे। तो होता है शुरुआत में पब्लिक प्लेस पर उनके सामने बोलने में बहुत एजिटेशन होती है, और ओवर द टाइम ये चीज़ सही हो जाएगी। तो थोड़ा वेट करते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि ये लोग यहाँ से जा नहीं रहे हैं, और आप देखिए और जो है गाड़ियाँ यहाँ से उठते जा रही हैं जितने भी आ रहे हैं लोग। और हमारे भाई साहब जो है इतना शर्मा रहे बोलने में। भाई साहब इतने अभी तो इतनी बहुत दूर है, अभी तो बोलना चाहिए आप। भाई साहब थोड़ी मेरी शक्ल अच्छी नहीं आ रही है, शक्ल चल कोई बात नहीं, तेरी अच्छी नहीं आ रही मेरी अच्छा नहीं है। तो दोस्तों थोड़ा लुक्स पे काम कर रहा हूँ मैं अभी, देखिए अभी दाढ़ी वाड़ी और बाल फुल पालने की सोच रहा हूँ लंबे, तो बताइएगा सजेशन देना कैसा लगेगा। और भाई ने पूरी व्यवस्था कर रखी है, जो ये सेल्फी स्टिक है इसका पूरा ब्लूटूथ वाला है, और ये देखिए इसके ऐसे ट्राईपॉड भी बना सकते हैं नीचे से, और फोन कहीं पे खड़ा करके ट्राईपॉड की तरह यूज़ भी कर सकते हैं इसको। मुझे पूरा अच्छे से यूज़ करना नहीं आ रहा है, तो धन्यवाद अमित भाई का। मैं गांव से हूं, मुझे गवार मत समझना। धन्यवाद अमित भाई का जो इन्होंने अपना सेल्फी स्टिक, अपना फ़ोन, अपनी बाइक और सब कुछ दे रखा है हमें ट्रैकिंग के लिए। और ये हमारे भाई साहब यो चुफाल व्लॉग्स, और इनके ये चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत है ऊपर वाली कृपा से मेरे पास इनके पास सब्सक्राइबरों की कमी नहीं है, इनके पास अंधा पैसा है। I don't know.
गाड़ी फेंक दी थी इसने भी कुछ बताने के चक्कर में, हाथ पीछे ले जा बोल रहा और हाथ दोनों हाथ छोड़ के बोल रहा पीछे पीछे नहीं सीधे ऊपर ले चले गए कृपया। इस तरफ से लाइटिंग की थोड़ा दिक्कत आ रही थी, इस साइड से बढ़िया आ रहा है, यहाँ से बढ़िया गोरा गोरा आ रहा है तुम्हारा भाई। दोस्तों अब जो है हेलमेट पहनने का टाइम आ गया है, क्योंकि अभी तक जो क्षेत्र था वो अपने चाचा का क्षेत्र था, वहाँ चाचा बिताया गया लेकिन अब जो है क्षेत्र थोड़ा बदमाश का थोड़ा बदमाश का क्षेत्र आने लग गया है, तो लेते हैं हेलमेट। वैसे हमें हेलमेट हमेशा पहनना चाहिए सभी लोग, क्यों हमें भाई क्यों पहनना चाहिए वो भी बता दीजिए। लेकिन दोस्तों मैं कहता हूँ आप तो किसी भी हमेशा हेलमेट पहना कीजिए, क्योंकि हर किसी का चाचा बिताई होता है और जिसका होता है कभी कभी उसको भी पहनना पड़ जाता है, जैसे मेरे को पहनना पड़ रहा है। तो अब हेलमेट से आवाज़ आएगी नहीं आएगी मुझे नहीं पता, तो देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे हेलमेट में भी बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ मैं, और इसको देखिए तो कहीं से कहीं तक ब्लॉगर लग रहे हैं। आप लोग सोच रहे हो कि मैंने इसको ड्राइवर रख रखा है बस। नाश्ता करेगा चलो। हाँ तो नाश्ता तो करना पड़ेगा, नाश्ता करके आए और बहुत ही खराब हो रहा है, बहुत ही खराब यहाँ पे काम चल रहा है रोड पर। फ्यूचर में बहुत बढ़िया रोड होने वाली है एकदम मक्खन, लेकिन पता नहीं लगे हुए भाई का कहने है कि वो दिन पर न जाने कब आएगा। चलन हो रहा है भाई आगे चल चल। और दोस्तों ये एक बड़ा सिंपल सा रूल है, कोई अगर आपको दिखे बिना हेलमेट के दोस्तों बोल देगी आगे चालन हो रहा है, जिससे कि ना भी हो रहा होगा तो आगे से ध्यान रखेगा कि बिना हेलमेट के निकले ना। और ये रहा दोस्तों कर्नाली चीना, दोस्तों तो हम पहुंच गए हैं कर्नाली चीना और दिखाते हैं आपको कर्नाली चीना का मार्केट। देखिए सुंदर होटल है कर्नाली चीना का, भुटवा बहुत फेमस है दोस्तों, लेकिन अभी हम खाएंगे नहीं क्योंकि भाई हमारे पास भुटवा खाने के पैसे नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि आगे कहीं पे छोले समोसे खाएं, क्योंकि 50 रुपया प्लेट और 20 रुपया प्लेट में बहुत अंतर होता है भाई साहब। आजकल ना मिलता 5 रुपया प्लेट, 50 रुपया प्लेट हो गया है। और अगर आप ऐसी सस्ती सस्ती व्लॉगिंग देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ भी जो है बहुत तेज़ बारिश हुई और उसकी वजह से जो है आप देख सकते हैं पूरा ऊपर से लैंडस्लाइडिंग होके पूरा एक घर जो है दब रखा है मलबे पे, अभी तो निकाल दिया गया है। और ये एक बड़ा रिस्क रहता है दोस्तों पहाड़ों में कि घर बनाने से पहले बहुत ही जो है मजबूत ज़मीन आप उनको चुन लीजिए जहाँ पे ऐसी घटनाएं ना हो सके। तो दोस्तों सुबह से हमने नाश्ता नहीं किया हुआ है और हम होटल पर पहुँच चुके हैं, और आगे दिखाते हैं आपको होटल में क्या क्या बना है। दोस्तों बजट थोड़ा कम है इसलिए हम चाय समोसा ही खाएंगे। हाँ दादा क्या 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 बना है? रोटी बना और चाय चाय हाँ बना दो गिलास। कितनी चाय? दो। तो दोस्तों चाय मिल चुकी है हमें। मैं नहीं पीता भाई चाय। चाय नहीं पियोगे? कॉफ़ी मिल जाएगी ना। तो भाई साहब इसका बजट बहुत ज़्यादा हो चुका है, कॉफ़ी बन जाएगी जेब में इनके 20 रुपये हैं और ये। तो भाई साहब क्या कहना चाहेंगे आप? भाई साहब मैं ये बोलना चाहूँगा कि 2-3 साल हो गए मैं चाय पी ही नहीं। बजट थोड़ा बढ़ गया है योगेश चौपाल जी का और ये अब कॉफ़ी की मांग कर रहे हैं। इधर गर्म पानी भी चलेगा? गर्म पानी ये कह रहे हैं कि अब गर्म पानी भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों बालों की तो हालत ख़राब हो गई है इनकी वजह से। तो ये एक होटल है कर्नाल चीना से थोड़ा आगे, और पिछली बार जब हम आए थे तो ये चीज़ यहाँ पे बन गई थी, तो इस बार हम यहीं पे रुक गए हैं। और कॉफ़ी दोस्तों यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो अभी हमने मैगी बनवा दी है, तो नाश्ता यहीं पे कर लेते हैं और थोड़ा फ़ोटो शूट करवाते हैं यहाँ पे, देखो कैसा रहता है। उसके अंदर काफ़ी अच्छी है। मैगी बन रही है, फिर मैगी जैसी आती है तो मैगी खा के उसके बाद निकलते हैं पिथौरागढ़ की ओर। अभी मेरे बोलते बोलते
गला बैठने लग गया इतनी जल्दी, क्योंकि आदत नहीं है इतना बोलने की मेरे को। तो दोस्तों अभी हमारी मैगी आ चुकी है और क्या मैगी के स्वाद ले रहे हैं योगी चौपाल जी, और यहाँ पर भाई साहब भी आ चुके हैं, और भाई साहब अपनी शकल ही नहीं दिखा रहे क्योंकि हम सस्ते ब्लॉगर हैं, इसलिए हमारी कोई रेस्पेक्ट यहाँ पर हो नहीं रही है। शकल दिखाने के 10 रुपये और जोड़ दूंगा बोल रहे हो। बाकी नाश्ता करने के बाद आपको दिखाते हैं आगे का व्यू, और नाश्ता करने के बाद हम सीधे पिथौरागढ़ जाएंगे, और उसके बाद हमें कामाख्या मंदिर भी जाना है। और तो दोस्तों बिल यहाँ पर 100 रुपये आ चुका है, और योगी चौपाल जी इसका पेमेंट कर रहे हैं। योगी चौपाल जी मंदिर से चिल्लर फिल्लर सब उठा के सारी सेविंग यहीं लग गई है दोस्तों। और भाई साहब थोड़ा शर्मा के चले गए हैं उधर की और दादा जी, लगता है मंदिर से रुपये लिखे हैं, इन्होंने आज अपना दुल्ला छोड़ ही दिया है ज़्यादा आगे थे यार। बहुत बचा के रखे थे दोस्तों मैंने, इसीलिए बचा रखे थे कि यहाँ के मैगी खाऊंगा करके। अब चलते हैं आगे को। हेलो लाओ मेरा बैग। नाश्ते में तो सब आज तक की जमा पूंजी लग गई है दोस्तों। अब पिथौरागढ़ पे पता नहीं कटारा लेके बैठना पड़ता है सही लग रहा है। मैं दिखाऊंगा थोड़ा आगे की ड्राइविंग। तो दोस्तों मैं थोड़ा सोच रहा हूँ थोड़ा मैं चला दूँ बाइक, क्योंकि ये थक गया होगा बेचारा। अब थोड़ा इसको दिखाता हूँ गाड़ी साफ बना के। तो भाई साहब गाड़ी अभी हमारे योगेश चौपाल जी चलाने वाले हैं, और मुझे बहुत डर लग रहा है, बिल्कुल आदी नहीं है क्योंकि हम इनके एक बार आदी हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने एक बार यूं सांप की तरह लहरा के हमें डिडियाट वाली रोड पे काफ़ी पटक दिया था। और आगे देखते रहिए हमारे साथ इनकी ड्राइविंग। तो क्या कहना चाहेंगे आप, लग रहा है आज फुल ये फुल राइडिंग में है, और ये हमारा बैग भी गिरा चुका है इन्होंने। अभी खाली हमारा बैग गिर चुका है, और देखिए अभी हम पहुंचे भी नहीं हैं और हमारे इन्होंने पहले ही बैग गिरा दिया। तो भाई साहब राइडिंग इनकी शुरू हो चुकी है, और ये इनका कहना है कि आगे हम चलाएंगे, बने रहिए हमारे साथ, जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे। लेकिन हमें लग नहीं रहा कि हमारा चांस है बचने का। और राइडिंग काफ़ी सही चल रही है यो चौपाल ब्लॉग्स के द्वारा, और मंजिल थोड़ी अभी और दूर है, लेकिन योगेश चौपाल जी की गति और भी तेज बढ़ती जा रही है। ये कह रहे हैं कि आज हम अपना गाड़ी का मीटर गाड़ी के हाथ में दे देंगे। जय भोलेनाथ। जिसे सोर घाटी के नाम से जाना जाता है, और हमने बाइक यहाँ पर न्यूट्रल कर ली है। तो योगेश चौपाल जी गड्ढे भी नहीं देख रहे हैं, अब लग रहा है हमारे बाइक के सॉकेट तोड़ देंगे आज। तो हम यहाँ पर रुक चुके हैं, और ड्राइव इसके बाद मैं करूँगा, क्योंकि इन भाई साहब के पास लाइसेंस ही नहीं है। और ये पीछे रहा दोस्तों सुमेरू होटल सुमेरू पिथौरागढ़। दोस्तों आप जो है मेरी टी शर्ट देख रहे हैं जोकर वाली, ये बहुत पहले मेरे को किसी ने गिफ्ट करी थी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों इनके मामा ने इनको रोक लिया है, अभी कागज दिखा रहे हैं, रोक लिया है, और हम दिखाएंगे अभी गाड़ी के कागज आपको। दिखा दो कागज हमारे पास पूरे हैं जाते।
करते हैं ना यूट्यूब पे, यूट्यूब पे ब्लॉगिंग करते हैं ना। अच्छा, क्या कहते हैं पैसे से मिलता है? अभी तो शुरुआत ही है, स्टार्टिंग ही है, बाद में धीरे धीरे मिलने लगेंगे। तब ज़्यादा उसका टारगेट पूरा करोगे तब जाके तब तब मिले लगे रहो। अभी इसमें लाइक शेयर का मतलब और पैसा। हाँ, जितनी वीडियो ज़्यादा वायरल होगी, जितनी ज़्यादा लोग देखेंगे उतना ज़्यादा रेवेन्यू, तब जाके जितना ज़्यादा वायरस होगा उतना ज़्यादा फायदा होगा। हाँ, जितना ज़्यादा टारगेट कंप्लीट रखो, हेलमेट हेलमेट कभी भी हो पूरा ओके रहता है, क्योंकि घूमते रहते हैं ना इधर, ट्रेलिंग पे करने हैं तो सब चीज़ ओके। दिक्कत हो जाती है। आजकल कुछ ज़्यादा ही सख्ती हो रही है चेकिंग के लिए। हाँ बिल्कुल, तो दोस्तों फिलहाल ये कागज़ चेक करा के सही सलामत वापस आ गया है। तो दोस्तों कागज़ होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि अंदर बहुत सारे चालान कट रहे हैं और मैडम काफ़ी गुस्से में अंदर। 500 के काफ़ी पत्ते देख के आए दोस्तों अंदर, ये भी 500 के बहुत पत्ते गिर गए अंदर। और इसको मेरे को बहुत खुशी है कि चालान बचाने की खुशी ना कुछ और ही होती है दोस्तों। ये वो लोग जानते हैं जिनका चालान हो चुका होगा, तो कागज़ अपने साथ हमेशा रखिए, हेलमेट वगैरह और मास्क पहने, क्योंकि वो लोग मास्क नहीं पहनने हैं, क्योंकि हर किसी का चाचा विधायक नहीं होता है, पता ही है आपको। हर किसी का चाचा विधायक नहीं होता और इनका मामा तो ब्लॉक पर भी गए। चलो तो चलते हैं पिथौरागढ़ की। तो दोस्तों चलते हैं पिथौरागढ़ की और दोस्तों चलते हैं। सर की वही बात बता रहे थे हमें, मास्क पहने और ब्लॉगर साहब यहाँ पर मास्क पहने। वो पुलिस वाले अंकल पूछ रहे थे मुझसे, सब ओके रखा करो बोले कागज जाके। मैंने बोला हाँ सर अंकल सब ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तू कई देर बाद आया, कई देर तक बाहर ही नहीं आया। मैंने कहा कहीं हो गया है चालन, तो फिर बेइज्जती होती है। वो तो बच गया, सारे कागज मिले भाई के पास। तो दोस्तों पेट्रोल बुलाते थे 20 रुपये का। चलो चालन के 500 बच गए हैं, उसका पेट्रोल डलवा लेते हैं बोलने। मात्र 200 रुपये का पेट्रोल, मात्र 200 रुपये का पेट्रोल हमने डाल लिया है। अब चलते हैं पिथौरागढ़ की तरफ। मेट के अंदर से काफ़ी सेक्सी दिखता है। असल में दोस्तों दिक्कत ये हो रही कि शायद मेरी आवाज़ नहीं आ पा रही है मेट के अंदर से, तो ऐसा करते हैं अभी कुछ आवाज़ नहीं आ रही है, तो एक काम कीजिए आप लोग पिथौरागढ़ शहर के नज़ारे देखिए, तब तक फिर मिलते हैं आपसे आगे। इतनी खूबसूरती है दोस्तों इस शहर में कि आपको हर अगले ही पल प्यार होने लगेगा इनसे, इस शहर से, यहाँ की चीज़ों से। ये है लंदन फोर्ट। क्या करने के लिए ऊपर एक लंदन फोर्ट है जो गोरखाओं द्वारा बनाया गया था। अभी इतना टाइम नहीं है कि हम इसके अंदर जा सकें, तो बाद में मिलते हैं। मन तो काफ़ी हो रहा है दोस्तों जाने का, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, कभी बाद में दोस्तों ज़रूर दिखाएंगे हम, ज़रूर दिखाएंगे। पिथौरागढ़ आके हम लंदन नहीं गए दोस्तों, बहुत ही बुरा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, परिस्थिति है ऐसी है, फिर ही होता, चले भी जाते हैं, उस पर्चा भी काटते हैं वहाँ पे 100-200 रुपये का। काफ़ी अच्छा यहाँ पे व्यू आता हुआ और ऊपर काफ़ी अच्छा है घूमने के लिए, काफ़ी टूरिस्ट आते हैं वहाँ पर, लेकिन हम टूरिस्ट ही नहीं है दोस्तों, जिसमें हम अभी आपको घुमाएंगे थोड़ी देर बाद। और पिथौरागढ़ पे आया तो मैं बहुत हूँ, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है शहर के बारे में। और ये हमारे छोटे भाई अमित तारवी जमे घुमा रहे हैं शहर। अभी हम ऐसा करेंगे कि जैसे ही मेरे को अपना फ़ोन मिलेगा मैं सारा डेटा उसमें ट्रांसफ़र कर लूँगा और इनको पैदल कर दूँगा ब्लॉक से भी और गाड़ी से भी। तो ये है मेरा प्लान, तो अगर आपको प्लान अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें। और दोस्तों प्लान भी मेरे पास भी है, आगे बने रहिए हमारे साथ। प्लान करूँगा पहले फिर बताऊँगा बोला। हाँ पर नहीं भी रोके फायदा नहीं। तो दोस्तों अभी हमको फिर से वापस जाना पड़ रहा है और हमारा फ़ोन हमें मिलेगा चौधरी बरात घर पे, तो देखते हैं चौधरी बरात घर कहाँ है, ढूंढते हैं आगे, शायद इसी लाइन पर आगे है। तो
मिल जाए यार फोन बस। और हम चौधरी बारात घर में पहुंच चुके हैं और हम अपने एक और शादी का वेट कर रहे हैं। जहां से निकले थे वहीं पहुंच गए दोस्तों। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं पबजी रेस्टोरेंट पर और बात करिए बहुत ही अच्छा डेकोरेट कर रखा है इन्होंने, तो अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि क्या क्या है यहाँ पे अवेलेबल। तो दोस्तों हम पबजी रेस्टोरेंट पर पहुंच चुके हैं और हमारे भाई योगेश चौपाल ने एक नया फोन ले लिया है, नार्जो 30 5G। चलो देखते हैं इसके पबजी खेलने के लिए फोन ले रखा है तो पबजी रेस्टोरेंट में क्यों कुछ खास नहीं है दोस्तों बजट के अंदर का फोन है। अब हमारे दोस्त योगेश चौपाल इसी से अपनी व्लॉगिंग शूट करेंगे। फिलहाल इसको डालते डब्बे में और फोन को ऑन करके देखते हैं। रियलमी। तो दोस्तों अनबॉक्सिंग पूरी हुई और हम पबजी रेस्टोरेंट पे पहुंच चुके हैं चिकन डिनर की, तो क्या बात करें, लेकिन हम यहाँ से दाल भात खा के जरूर जाएंगे क्योंकि हमारे पास इतना नहीं है और यहाँ पर फोन भी खुल चुका है। और सबसे पहले तो दोस्तों आज का जितना भी हमने व्लॉग शॉट कर रखा है हम इस फ़ोन पे डालने वाले हैं और उसके बाद जो है ये जो नया फ़ोन है इसी पे जो है वीडियोस व्लॉग एडिट होगा। और ये काफ़ी लकी, मैंने सोचा नहीं था कि इस फ़ोन से जो है फर्स्ट पे ही व्लॉग हम बनाना शुरू कर देंगे, लेकिन अभी आज दिन भर जितना हमने व्लॉग शूट कराया है तो ये इस पर होगा और पहला काम इस फ़ोन से ही हो रहा है कि व्लॉग शूट हो रहा है, तो ये बहुत ही एक अच्छा साइन है हमारे लिए और आगे भी इसी फ़ोन से ब्लॉग कंटिन्यूसली आते रहेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं अभी अमित के फ़ोन से ब्लॉग बना रहा हूँ और मेरे दूसरे जो फ़ोन है सैमसंग का उसका फ्रंट कैमरा ख़राब हो चुका था, तो अब जो ये नया फ़ोन है रियलमी नार्जो 30 उससे ब्लॉग आएंगे और शायद कंटिन्यूसली ब्लॉग आने लग जाए। तो अभी जितना ब्लॉग मैं शूट करता था पहले तो इसको ट्रांसफ़र करते हैं इसमें, क्योंकि उसके बाद भी इसको जाना है कहीं और, मैं कहीं और जा रहा हूँ, तो अभी ये वाला काम खत्म करते हैं फिर मिलते हैं आपसे। ये लौंडे खुरबुद्दी पकड़े चुरबुट्टी करते कांड वो भी फुलपुरती में बिना तमंचे के गोली चले ढाए 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 मेरे भाई हाय फाय पूरा सीन किया बैंग अब तो कैप्चर है भाई इधर रैप गेम के डॉन बैठे भयंकर है भाई जैसे पेंजर है दाई मेरे एल से बन बहुत हार्ड हीन इधर भू भाट सीन चले यूके 05 मेरी खू खा टीम बजे अंटारा जंटारा रैमिंग फंटा फंटा मैं ऐसी रैम करूं बेटा पेलू जड़ तक आके खते।